मेहज कहासुनी से नाराज एक कलयुगी महिला ने 3 वर्षीय बालक की तालाब में डुबोकर हत्या कर दी। बालक की हत्या का राज सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने खोल दिया है और आरोपी महिला रोशन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि मृतक बालक की मां से उसकी कहां सुनी हो गई थी, इसीलिए उसके पुत्र की हत्या कर दी। दरअसल धामपुर थाना क्षेत्र के गांव नींदू का रहने वाला अरसलान पुत्र सलीम अपनी मां के साथ 5 दिन पहले चांदपुर थाने के मोहल्ला काजी जादगान अपने ननिहाल आया था। अरसलान शुक्रवार सुबह 11 बजे मोहल्ले में दुकान से चीज लेने गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सोशल मीडिया पर भी परिजनों ने बच्चे की फोटो डाली। बच्चे की तलाश की गई तो कोई पता नहीं चल सका। आखिर में पीड़ित परिवार ने चांदपुर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज कंगालना शुरू किया तो वारदात खुलकर सामने आई। सीसीटीवी में पड़ोस की रहने वाली एक रोशन नाम की महिला बच्चे को अपने साथ ले जाती हुई दिखी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला रोशन को गिरफ्तार किया और गहनता से पूछताछ की तो घटना का सनसनीखेज खुलासा हुआ। आरोपी महिला रोशन ने बताया कि मृतक बालक अरसलान की मां तरन्नुम से उसकी कहां सुनी हो गई थी, इसी बात से नाराज होकर उसने बालक की हत्या की है। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात से पुलिस ने पर्दा हटा दिया है। उधर मृतक बालक के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताजी। कहाँ के रहने वाले हो? गाजीजादगान। क्या मामला है? क्या मामला है? मामला ये था जी, मोहल्ले की औरत थी, हमारे भांजे को किडनैप करके। क्या नाम है? अरहान नाम है भांजे का। कितना साल का था? कितने 2.5-3 साल का था जी। तो उनने जोड़े में ले जाके डाल दिया उसे, पता अब चला है। कैसा पता चला आपको? कैसे? पुलिस वालों ने इन्फॉर्म करा था हमें, उसके जरिए हमें पता चला जब हम पहुंचे वहाँ। अच्छा, क्या वजह है, क्यों मारा गया उसको? तो वजह समझ में नहीं आ रही, क्या वजह है? कुछ दुश्मनी नहीं उससे, कुछ नहीं, जाने क्या क्या इसका पैसा था, यो क्या था, हमें यो पता नहीं चल रहा। तो जो पड़ोसन थी वो कितनी दूर रहती थी आपसे? वो हमारे घर से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर है। 2 मीटर? 2 मीटर। आज जो हंगामा किया, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं उसे फांसी हो। अच्छा, बस और कुछ कार्रवाई नहीं चाहते, बस फांसी चाहते हम। कल 12 जुलाई की दोपहर को चांदपुर थाने पर आकर एक महिला जिसका नाम तरुन्नुम है, जो कस्बा चांदपुर की रहने वाली है, उसने आके तहरीर दी कि उसका 3 वर्षीय बालक अरसलान सुबह 11 बजे से गायब है। इस सूचना पर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया, अभियोग दर्ज किया गया एवं सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। परिवार वालों ने एक महिला जो पड़ोस की महिला है जिसका नाम रोशन है, मोहम्मद शान की वाइफ है, उस पर शक जताया था। पुलिस ने उससे बहुत गहनता से पूछताछ की। महिला रोशन की निशानदेही पर आज सुबह पुलिस ने मृतक बच्चे की डेड बॉडी को तालाब से बरामद किया। इसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है, अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। इस महिला से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि उसकी कहां सुनी हो गई थी, अरसलान की मां से, इसी कारण उसने बच्चे की डुबो के हत्या कर दी है। अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, गांव वालों से भी पूछताछ की जा रही है। रिजवान पुलिस आश्वस्त करती है कि इस केस में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके अत्यंत शीघ्र का चार्जशीट को माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और सघन पैरवी करके अभियुक्त को कठोर दंड दिलाया जाएगा। Thank you.